वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाओ ईटेबल्स। वीडियो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल वाओ ईटेबल्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पिता। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई, जिसे मैं लौकी से बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैं मिल्क मेड एंड मिल्क पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। उसकी जगह आप खोया या मावा भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जो खोए की मिठाई होती है घर में बच जाती है, आप उसको भी मैश करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये लौकी लिया है, जिसके मैं छिलके उतार दूंगी। ये देखिए, मैं लौकी को छील लूंगी। ये मैंने लौकी के छिलके अलग कर दिए, साथ में उसके साइड्स भी निकाल दिए हैं। और अभी मैं इसके गोल गोल पीसेस कट करूंगी। ये देखिए, थोड़े मोटे मोटे ही रखने हैं, ज्यादा पतले पतले पीस नहीं काटिएगा। ये मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं लौकी से। अभी हम इनका बीच का पार्ट निकाल देंगे, हमें इसे रिंग बनाना है। तो ये मैं नाइफ की हेल्प से ये पार्ट को अलग कर रही हूँ। और इस पार्ट को आप फेंकेगा नहीं, इससे आप सब्जी बना सकते हैं या पराठे बना सकते हैं। तो मैं ये इस तरह से ये सारा पार्ट बीच का निकाल दूंगी, जो वाइट पार्ट है इसको मैं अलग कर दूंगी एकदम। देखिए, इसी तरह से मैं ये सारे पीसेस से वाइट पार्ट निकाल दूंगी। आप कुकी कटर भी यूज कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। अगर आपके पास छोटा साइज का कुकी कटर है तो उससे भी आप ये पार्ट निकाल सकते हैं। देखिए, सारे रिंग्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें बॉईल करना है। तो ये गैस पर मैंने पानी गर्म होने रख दिया है और इसमें ऐड करूंगी मैं आधा चम्मच खाना सोडा। ये मैंने खाना सोडा इसमें डाल दिया और अभी जो हमने लौकी की रिंग्स बनाकर रखी थी वो इस पानी में हम डाल देंगे और इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये हम इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने देंगे। जब तक लौकी बॉईल हो रही है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिए है और 1 कप ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और अभी चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे और उसके बाद 2-3 बॉईल आने तक इसे पकने देंगे। ये मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ, 2 इलायची मैं इसमें ऐसे ही ऐड कर दूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा चाशनी में। और 2-3 बॉईल आने के बाद गैस बंद कर दूंगी। अभी इधर ये लौकी भी बॉईल हो चुकी है तो मैं अभी गैस ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। लौकी ठंडी हो चुकी है, मैंने प्लेट में निकाल ली है। अभी इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं चाशनी में डालूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई है, तो 2 बार में मैं इन्हें चाशनी में डालूंगी। अभी हमें मिठाई की फिलिंग रेडी करनी है, उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। साथ में मैं उसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच देसी घी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 बाउल कंडेंस्ड मिल्क, यानी मिल्क मेड। इसे थोड़ा चलाते रहेंगे और अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 बाउल मिल्क पाउडर और अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस जल्दी से ये थिक हो गया है और हम गैस ऑफ कर देंगे। ज़्यादा देर तक इसको गैस पर ना पकाएं वरना ये बहुत स्टिकी हो जाएगा। अभी लौकी को भी चाशनी में डाले हुए 8 से 10 मिनट हो चुकी हैं, मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। देखिए, ये लौकी अभी ठंडी हो गई है और जो हमने ये फिलिंग बनाई थी अभी हम ये इसके अंदर स्टफ करेंगे। और ये मैंने लिए हैं थोड़े से आलमंड्स, जिनको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है बीच से। अब ये मैं थोड़ी थोड़ी फिलिंग इसमें स्टफ कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारे स्टफ हो चुके हैं। अब ये आलमंड से मैं इसे गार्निश करूंगी। ये मिठाई बनकर रेडी है। मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, कलर की जगह मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था। आप चाहें तो ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं।